हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पंदन एकेडमी किड्स क्लास। छोटे बच्चों का किड्स क्लास स्पंदन एकेडमी में स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्लासरूम। आप स्कूल में पढ़ने आते हैं तो आप एक क्लास में बैठते हैं, है ना। तो उस क्लास में कौन कौन से ऑब्जेक्ट चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ये सबसे पहले आपको एक क्लासरूम दिख रहा है फर्स्ट पेज पर। इसमें देखिए टीचर दिख रही हैं, स्टूडेंट दिख रही हैं, क्लॉक है ना। अब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्लासरूम में और कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। क्लासरूम में और कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नेम इज़ ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट नेम क्या है? ब्लैक बोर्ड। बी एल ए सी के बी ओ ए आर डी, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर क्या करते हैं बेटा? ब्लैक बोर्ड पर क्या करते हैं बेटा? ब्लैक बोर्ड पर टीचर्स लिखती हैं और हम उसको राइट करते हैं अपनी नोटबुक में, है ना। ब्लैक बोर्ड पर टीचर राइट करती हैं और हम अपनी नोटबुक में राइट करते हैं। नेक्स्ट है डस्टर। डी यू एस टी ई आर, डस्टर। डस्टर पे क्या करते हैं? नेक्स्ट डस्टर। डस्टर डी यू एस टी ई आर, डस्टर। डस्टर से क्या होता है? जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है उसको साफ किया जाता है, रफ किया जाता है डस्टर पर। फिर कोई और चीज़ मैडम हमको सिखाती हैं, कोई और रीड करवाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चॉक। सी एच ए एल के, चॉक। चॉक से क्या करते हैं? चॉक से राइट करते हैं, है ना। ब्लैक बोर्ड पर राइट कैसे करते हैं? चॉक से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर एंड स्टूडेंट। क्लासरूम में देखो टीचर का होना भी ज़रूरी है और स्टूडेंट का होना भी ज़रूरी है ना। अगर टीचर स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो क्या होगा? इसलिए क्लासरूम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टीचर स्टूडेंट। टी ई ए सी एच ई आर, टीचर। ए एन डी एंड स्टूडेंट। एस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट। टीचर एंड स्टूडेंट। नेक्स्ट डेस्क। डी ई एस के, डेस्क, है ना। अब आपको सिट बैठने के लिए डेस्क भी चाहिए और लिखने के लिए टेबल भी चाहिए, है ना, डेस्क। नेक्स्ट चेयर। सी एच ए आई आर, चेयर। देखो कुछ स्कूलों में डेस्क भी होती हैं, कुछ स्कूलों में चेयर होती है अलग से, और फिर क्या होता है? टेबल होती है। टी ए बी एल ई, टेबल। चेयर क्या होती है? सिट करने के लिए, बैठने के लिए, और टेबल होती है राइट करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्लॉक। सी एल ओ सी के, क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी। घड़ी क्या होती है? समय देखने के लिए, है ना। आपको एक मैडम तो पढ़ाती नहीं है, है ना, अलग अलग मैडम पढ़ाती हैं। तो क्लॉक क्या होती है? समय देखने के लिए, पीरियड बजाने के लिए, एक के बाद दूसरा पीरियड लगता है ना, इसके लिए। नेक्स्ट ग्लोब। जी एल ओ बी ई, ग्लोब में अपन देख सकते हैं हमारा इंडिया कहाँ पे है। इंडिया में एम पी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में भोपाल कहाँ पे है, है ना। भोपाल में हम कहाँ रहते हैं, गंज बासुदा, वो प्लेस हम ग्लोब के ज़रिए देख सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ट। सी एच ए आर टी, चार्ट, है ना। चार्ट के द्वारा हम फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम, आप सब रीड कर सकते हैं ना, पढ़ते हैं चार्ट के द्वारा। नेक्स्ट है डस्टबिन। डी यू एस टी बी आई एन, डस्टबिन। डस्टबिन में क्या होता है? बच्चे कचरा भी कर देते हैं ना, रफ करते हैं, पेज भी फाड़ देते हैं, और कुछ लंच में लाते हैं तो बिस्किट वगैरह के पैकेट, तो उसमें डस्टबिन में क्या करना चाहिए? हमको अपने क्लासरूम को गंदा नहीं करना चाहिए और कचड़े को डस्टबिन में डालना चाहिए। डस्टबिन काहे के लिए होता है बेटा? कचड़े डालने के लिए, है ना। नेक्स्ट अपन एक बार और रिवाइज करते हैं पूरा। फर्स्ट नंबर है क्लासरूम। क्लासरूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? फर्स्ट इज ब्लैक बोर्ड, सेकेंड इज डस्टर, थर्ड इज चॉक, फोर्थ टीचर एंड स्टूडेंट, फिफ्थ डेस्क, चेयर, टेबल, क्लॉक, ग्लोब एंड चार्ट एंड डस्टबिन। ना लास्ट ऑप्शन है डस्टबिन, है ना। धन्यवाद बच्चों।